सबके लिए समान प्रोडक्ट है, सबके लिए समान प्लान है। तो जब इस प्लेटफॉर्म ने इतने लोगों को कामयाब किया तो आपको भी कर सकता है। तो ये एक होप देना आपका काम है, अपनी टीम को, अपनी टीम के मुख्य लोगों को। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपने अंडरस्टैंड करनी है और उनको समझानी है कि लाइफ में कभी भी हमें फ्री लंच नहीं मिलता, यानी कि यहाँ सब कुछ उपलब्ध है लेकिन उसके लिए काम करना है। अगर घर में बैठ करके सोएंगे तो कुछ भी अचीवमेंट नहीं होगी। आप प्राप्त कुछ भी कर सकते हैं, बन कुछ भी सकते हैं, बशर्त आप रेगुलर एक्टिविटीज़ करें, रेगुलर आपकी टीम में कंटिन्यूस प्लान शो हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान शोअर्स आपकी टीम में हो, कंटिन्यूस इवेंट्स हो, उनमें जाना है, एजुकेशन लेनी है, टीम को एजुकेट करना है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन इसके लिए आपको निरंतर कार्यरत रहना है, निरंतर कार्य करना है। इसके बाद एजुकेशन यानी कि शिक्षा इस बिज़नेस का मुख्य बैकबोन है जिसके ऊपर ये बिज़नेस टिका होता है। आप किसी के भी नेटवर्क को स्टडी करिए, जिसके नेटवर्क में जितनी ज़्यादा और जितनी अच्छी एजुकेशन होती है वो नेटवर्क उतना स्ट्रांग बनता है। और नेटवर्क स्ट्रांग एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए रेगुलर आपने इवेंट्स में आना है और कंटिन्यूसली आपने अपनी टीम को इवेंट्स में रखना है। विथ डिसिप्लिन अर्थात समय पर रहना, समय से प्रोग्राम शुरू हो, समय से ख़त्म हो, ये डिसिप्लिन। अगर कहीं पे ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे 90% से भी ज़्यादा लोग ड्रेस कोड में बैठे हैं, नीचे भी ऊपर भी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। हमेशा इस चीज़ को मेंटेन करिए। जब मैं पहली बार वेस्टीज में आया था फरवरी 2008 में, तो वाली साहब किसी को मिलेंगे गया तो वाली साहब बता रहे थे कि देखिए हमारे यहाँ पर एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम यूनिफॉर्म है। हमारे यहाँ जितने भी लीडर्स हैं वो अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहनते, जब भी वेस्टीज का कोई प्रोग्राम होता है हमेशा वो आपको वेस्टीज की सिस्टम यूनिफॉर्म में मिलेंगे। अली साहब ने फिर उनको एक्सप्लेन किया, मैं भी नया था, मुझे भी दो ही दिन हुए थे ज्वाइन किए, तो अली साहब ने बताया हमारे यहाँ सिस्टम यूनिफॉर्म है, काली पैंट, सफ़ेद शर्ट और ये वेस्टीज की टाई। मैं जैसे ही मीटिंग से बाहर निकला जाकर मैंने टाई खरीद ली, और तब से लेकर आज का दिन है कभी भी अगर किसी को वन टू वन भी करना होता है तो ऑटोमेटिकली ड्रेस आ जाती है। सो डिसिप्लिन के साथ इस बिज़नेस को अगर आप बिल्ड करेंगे तभी आप एक सशक्त टीम बना पाएंगे। इसके साथ साथ कंटिन्यूस एफर्ट, फील्ड वर्क। एक दिन में नेटवर्क नहीं बनता, जैसे आप एक दिन में इतने बड़े नहीं हो गए, ऐसे ही बड़ा नेटवर्क भी जो है वो एक दिन में नहीं बनेगा। उसके लिए आपको कंटिन्यूस एफर्ट करने, क्या कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप प्लान दिखाएं, कंटिन्यूसली आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयार करें अपनी टीम में प्लान दिखाने के लिए। लगातार जब आप नए होंगे आप रेगुलरली सेमिनार्स में या जो भी आपकी एजुकेशन की लीडरशिप ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें ज़रूर जाएं, आप जाएं अपनी टीम को लेकर के जाएं। शुरू में हो सकता है आपकी टीम से कोई ना आए या समय लगे, लेकिन आपको रेगुलर रहना है। अगर आप रेगुलर रहेंगे, जाएंगे, नोट्स बनाएंगे, जो सीखेंगे उसे फॉलो करेंगे, तो आप एक निश्चित सफलता के ट्रैक पर पहुँचते हैं। सो कंटिन्यूस एफर्ट आपको लगातार वर्कआउट करना है ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना पाएँ। इसके साथ हमेशा याद रखिए, सभी लोग लेना चाहते हैं ग्रेट इनकम, लेकिन ग्रेट इनकम या बिग इनकम आती है ग्रेट कमिटमेंट से। बगैर कमिटमेंट के आपको इनकम आ नहीं सकती है। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, राइट। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मैं दीपन पत्रावाला जी के पास गया था मुंबई, जैसे ही मैं लैंड हुआ मुंबई एयरपोर्ट पर तो मैंने अपना फ़ोन खोला, मेरे घर से 14 कॉल थी लैंडलाइन से। ऑब्वियसली कुछ नॉर्मल नहीं था, क्योंकि जब उन्हें पता मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा हूँ एक दो कॉल तक समझ में आता है 14 कॉल क्यों करें। मैंने वापस अपने घर पे फ़ोन किया, मेरे ब्रदर ने फ़ोन उठाया, उसने कहा भाई कहाँ हो, मैंने कहा अभी भी मुंबई लैंड हुआ हूँ। बोला भाई जितनी जल्दी हो सकते हो वापस आ जाओ, नानी जी की डेथ हो गई है। तो मेरी ग्रैंड मदर मेरे से बहुत क्लोज थी, मेरे ही घर पर रहती थी, तो बोला भाई अम्मा एक्सपायर हो गई। तो मैंने मेरी मदर को फ़ोन किया, मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे, बोली हाँ। तो मैंने कहा मैं देखता हूँ अगली फ़्लाइट कब अवेलेबल है, मैं वापस आऊँ। उन्होंने मुझे कहा तू वापस आकर क्या करेगा, तेरा क्रियाक्रम में कोई रोल है नहीं, वो सबसे ज़्यादा समय तेरे साथ रही, तेरे साथ ही रहती थी, तेरे को हमेशा चाहती थी कि तू कामयाब बन, आगे बढ़, तेरे को इतना आशीर्वाद दे के गई है, तो तू अपने काम पे गया, अपना काम कंप्लीट कर तब वापस आ। मैंने अपना टूर कंटिन्यू करा, 5 दिन के बाद फिर मैं वापस आया, क्योंकि अगला जो रिचुअल या फंक्शन था वो 13वीं थी, जो कि कुछ दिनों के बाद ही हुई थी। नॉर्मली हमारे बिज़नेस में लोग क्या करते हैं, सेमिनार में आ रहे हैं, कोई रिलेटिव आता है और वो रुक जाते हैं, अपना सेमिनार छोड़ देते हैं, या अपनी कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, कोई भी दूर का भी कोई व्यक्ति घर में आ गया, काम अपना काम छोड़ के बैठ जाते हैं, या कोई फेस्टिवल आता है उससे 5-10 दिन पहले काम करना बंद कर देते हैं, उसके 5-10 दिन बाद तक काम करना बंद करे रहते हैं।
तो उनकी कमिटमेंट नहीं है बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। जो भी लोग ऐसा करते हैं उनसे मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, जिसकी वजह से आप बिजनेस मीटिंग में नहीं आ रहे, आपने अपना सेमिनार छोड़ दिया, अगर आप अपने उस रिलेटिव को बोलो मुझे मेरे बच्चे की फीस देनी है, जरा 50,000 रुपये दे दो, क्या वो देगा? अगर आप उसको बोलो मुझे मेरे बच्चे को हायर एजुकेशन में भेजना है, 10 लाख रुपये की जरूरत है, क्या वो देगा? नहीं। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आपको सिर्फ बिजनेस ही दे सकता है। तो आपने कमिटमेंट जो है, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए, अपने नेटवर्क के प्रति। और एक बार अगर आपने जो कमिटमेंट करी है कहीं पे भी जाने के लिए, कहीं पे भी टाइम दिया है या अपने अपलाइन को किसी को भी कमिट किया है, सबसे पहले तो खुद ही को कमिट करना है, उसके बाद उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मैंने आपके साथ शेयर किया, मैं तीन दिन से वर्कशॉप कर रहा हूँ, सुबह 9 बजे से रात के 7-7, 8-8 बजे तक। आज सुबह मैं आराम से उठा, फ्रेंकली मेरा भी मन नहीं था, मेरा भी मन कर रहा था यार मैं रेस्ट करूँ, क्योंकि 3-4 दिन हो गए लगातार, उससे पहले सेल्फ ड्राइव करके आया था। लेकिन क्योंकि मैं दिवाकर जी को कमिट कर चुका था, तो एक बार अगर कमिटमेंट हो गई फिर उसमें कोई बट किंतु परंतु नहीं, फिर आपके पास पहुँचना ही पहुँचना है। दो ही सूरत हो सकती है, अगर मैंने कमिटमेंट करी है मैं वहाँ ना पहुँचूँ, या तो मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा या मैं शायद हॉस्पिटल हूँ, अदरवाइज तीसरी कोई सूरत नहीं। कि अगर मैंने कहा है टाइम दिया है किसी को, ऑलवेज आप हमेशा याद रखो, आप जितना चाहो उतना बड़ा पैसा ये बिजनेस आपको देगा, लेकिन वो देगा तभी देगा जब उतनी ही इक्वलेंट बड़ी कमिटमेंट आपके अंदर होगी। एक बार आपने कमिट कर दिया देन इट विल हैपन। मैंने आपके साथ शेयर किया मेरी स्टोरी में, शुरू के 4-5 साल मैं हार्डली कभी घर पे रहता हूँ, चाहे वो कोई भी ओकेजन हो, इवन कई बार फेस्टिवल्स भी निकल गए, चाहे वो होली दिवाली कुछ भी हो। अब मेरा एक सवाल मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, फेस्टिवल में पैसे आते हैं या खर्च होते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा, पैसे खर्च होते हैं। जनरली हम कोई भी फेस्टिवल मनाएं, हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कुछ चीज़ें कॉमन होती है। फेस्टिवल के दिन हम नहाते हैं, धोते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं, हमारा जो भी सिस्टम होता है, जिसका जो भी सिस्टम होता है, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, यही तो करते हैं ना, राइट? अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलते हैं, यही होता है। अब सोचिए अगर आपका 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का महीने का पे आउट है, तो आपके लिए आपको किसी होली दिवाली ईद की जरूरत नहीं है। 365 दिन आपके लिए दिवाली है, क्योंकि 365 दिन आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, आप आशीर्वाद ले सकते हैं भगवान का, अच्छा खा सकते हैं। सो इफ यू आर सक्सेसफुल, अगर आप सक्सेसफुल हैं तो हर दिन आपकी लाइफ में इज इक्वल टू फेस्टिवल होंगे, आपको स्पेशल दिन की भी जरूरत नहीं है। 3 से 5 साल इस तरीके से काम कीजिए ताकि 365 दिन आप फेस्टिवल मना सकें, आप इतने कामयाब हों। इसके लिए यू नीड अ ग्रेट कमिटमेंट। ये जो हमारा बिजनेस है, ये लीडरशिप का बिजनेस है, लीडरशिप ये नेतृत्व करने का बिजनेस है। कमाल की बात इस बिजनेस में ये है, एक व्यक्ति ने अभी ज्वाइन किया है, उसकी टीम में अभी 5 लोग हैं, और हो सकता है वो 8% पर है, लेकिन वो उन 5 लोगों का वो व्यक्ति लीडर है। और हो सकता है आपकी टीम में 20 लोग हों, आप अभी 11% पर हों, तो आप उन 20 लोगों के लीडर आप। ये बिज़नेस पूरा नेतृत्व का बिजनेस है, जैसा आप करेंगे धीरे धीरे आपकी टीम वैसी ही बनती चली जाती है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आपकी टीम भी सेम डिसिप्लिन्ड होती चली जाती है। नाउ अब इसके साथ साथ लीडरशिप का जब बिजनेस है, लीडरशिप के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊँगा। एक बार एक डॉक्टर था जो कि वेटरनरी डॉक्टर था, जानवरों का डॉक्टर था। सुबह वो घर से उठा अपने हॉस्पिटल जाने के लिए, बस स्टैंड पे वेट कर रहा था, तभी उसने देखा सामने से एक डॉग कुत्ता रोड क्रॉस कर रहा है, तेज़ी से एक गाड़ी आई, उसको हिट करके चली गई और उसकी टांग उसमें ख़राब हो गई। वो डॉग बहुत तकलीफ में था, उसने उस कुत्ते को उठाया, उसने देखा वो फीमेल डॉग थी, उसको अपने हॉस्पिटल ले गया, जाकर उसका ट्रीटमेंट करा, महीने भर उसको अपने हॉस्पिटल में रखा, जब वो ठीक हो गई तब उसको छोड़ दिया। उसके बाद 1-2 साल बीत जाते हैं, वो डॉक्टर सेम अपने उसी बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था अपने हॉस्पिटल जाने के लिए, तो उसने देखा दूर से कुत्तों की फौज चली आ रही है, और वो जो फौज कुत्तों की चली आ रही है उसमें एक बड़ा कुत्ता है आगे और 6-7 छोटे छोटे पप्पी हैं, पिल्ले हैं, और वो सारे के सारे कुत्ते ऐसे ऐसे टेढ़े चलते हुए आ रहे हैं। जब वो थोड़ा सा पास आए तो उसको लगा कि ये शायद वही डॉग है, वही फीमेल डॉग है जिसका उसने ट्रीटमेंट किया था। कुत्ते ने उसको फट से पहचान लिया, वो उसके पास आई, पूंछ ऊँछ हिलाने लगी, राइट, एंड इमीडिएटली उसको चाटने लगी, प्यार करने लगी, क्योंकि डॉग्स की सेंसेस उसकी ज़्यादा होती है, उसने इमीडिएटली रिकग्नाइज कर लिया और उसको आभार या प्यार प्रकट करने लगी। उसने भी उस फीमेल डॉग को उठाया, उसके सर पर हाथ वात फेरा, सब कुछ करा। थोड़ी देर बाद उसको उत्सुकता हुई, उसने उसकी टांग चेक करी, उसको पता उसकी टांग खराब है इसलिए वो ऐसे लंगड़ा के चलती है।
उसने एक एक करके उसके सारे पप्पी उठाए, सबकी टांगें इंस्पेक्ट करी, किसी की भी टांग खराब नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके सारे के सारे पिल्ले ऐसे ऐसे लगड़ा के चलते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो लीडर था, उनकी जो मम्मी थी, वो लगड़ा के चलती थी, तो वो बेचारे पिल्ले भी लगड़ा के चलते थे, राइट। ऐसे ही आपका नेटवर्क है, जैसे आप होंगे वैसा आपका नेटवर्क बनेगा। अगर आप 11 बजे का टाइम देकर आप 11:30 बजे आओगे किसी को प्लान दिखाने के लिए कहीं पर, तो आपकी टीम और आपसे आगे ही निकलेगी। वो अगली जनरेशन है, अगली जनरेशन हमेशा आगे ही होती है, वो और 15 मिनट लेट आएगी, उसकी डाउनलाइन और 15 मिनट लेट आएगी, और यही कल्चर टीम में डेवलप हो जाता है। कुछ टीमें हैं जो सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं पहनती, वो ऊपर का वाला नहीं पहनता तो नीचे वाले भी नहीं पहनते। तो जैसा कल्चर आप चलाएंगे आपकी टीम में, वैसा ही कल्चर चलता चला जाएगा। सो ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। अगर आप चाहते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग टीम बने, तो आपको जो राइट प्रैक्टिसेस हैं आपको खुद करनी है। आप कहीं भी सेमिनार में जाते हैं, अगर आप डायरी लेकर के बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपकी टीम भी यही करेगी। आप भी खाली सुनकर चले जाएंगे, आपकी टीम भी खाली सुनकर के चली जाएगी। तो जो आप करेंगे, आपके जो कोर लोग हैं उन्होंने आपको कॉपी कर दिया। सो अगर आप चाहते हैं आपकी टीम स्ट्रॉन्ग बने, आप खुद सारे काम सही करना शुरू कर दो, धीरे धीरे आपकी कोर टीम ऑटोमेटिकली वो आपको फॉलो करेगी ही करेगी। सो वो आपके ऊपर है कि आप कैसा नेटवर्क बनाएंगे, आप कैसा नेटवर्क क्रिएट करेंगे। इट्स टोटली अप टू यू, राइट। इसके बाद जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, यथा राजा वथा प्रजा, जैसी राजा होती है वैसा प्रजा होता है, कल्चर ऊपर से चलता है। एक बार मेरी पुरानी कंपनी में बड़ा छोटा सा इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरी पुरानी कंपनी में नॉर्थ इंडिया ने एक बार टॉप करा, तो जो हमारे नॉर्थ के रीजनल मैनेजर थे उन्होंने सारी लीडरशिप को अपने घर पर बुलाया डिनर पर, और इस ऑनर में कि भाई नॉर्थ ने टॉप करा है उस साल, सब लोग डिनर पे थे। एंड हमारे बिजनेस में एक 7 स्टेप्स में पहला स्टेप कौन सा आता है? हाँ जी, बिल्कुल सही आपने कहा, यूज़ द प्रोडक्ट। तो शुरू से हमारे बिजनेस का कल्चर है रहा है, या पहला कदम ही हमारे बिजनेस का है प्रोडक्ट यूज़ करना। तो जब हम उन मैनेजर के घर गए डिनर पर, हम हाथ वाथ धोने के लिए बाथरूम में गए, तो हमने देखा उस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट उनके बाथरूम में नहीं रखा हुआ था। उसमें बजाय उस कंपनी का साबुन होने के या डीओ होने के, वहाँ रेक्सोना का साबुन था, रेक्सोना का डीओ था, यानी कोई भी प्रोडक्ट वो खुद यूज़ नहीं कर रहे थे। हम सब ने आपस में एक दूसरे को देखा, सब अंडरस्टैंड कर, बोला कोई कुछ नहीं, ठीक है, सारे रेक्सोना का डीओ, रेक्सोना का सामान पड़ा हुआ था, चलो आपस में, ठीक है, बात खत्म हो गई। अगले दिन हमारा काफ़ी बड़ा शो था, तो वहाँ सिस्टम यूनिफॉर्म तो नहीं होती थी, लेकिन फॉर्मल कपड़े ज़रूर पहनते थे लीडर्स जो हैं, वो फॉर्मल में ट्राउज़र आ गई, शर्ट आ गई, टाई आ गई। तो मेरे मामा जी हैं, क्योंकि इस बिज़नेस को काफ़ी समय से कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेस्टीज में क्राउन लेवल पर हैं, तो वो फॉर्मल कपड़े नहीं पहनते थे। उनका फिल्मी उस बैकग्राउंड रहा है, उन्होंने कुछ फिल्मी काम किए हैं, तो उनका वो अपने अंदाज़ में रहते थे। वो सफ़ेद जीन्स पसंद करते थे, सफ़ेद जूते पहनते थे, सफ़ेद शर्ट, सर्दी है तो सफ़ेद मफलर। तो कई बार वो जो मैनेजर थे उनको बोलते थे, अरे मामा जी फॉर्मल कपड़े पहना करो, टाई लगाया करो, ऐसी कई बार बात होती थी। तो जब अगले दिन हम वो शो पर जा रहे थे, तो वहाँ वो मैनेजर पहले से ही खड़े हुए थे, तो मैंने तो मेरे खैर फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। मामा जी अपने अंदाज में, अपने सफ़ेद जीन्स, अपने सफ़ेद जूते, उसी कपड़े में थे, सफ़ेद टी शर्ट, सफ़ेद मफलर। तो जैसे ही हम पास में गए, तो वो मैनेजर ने कहा, क्या मामा जी आपको इतनी बार बोला है, आप यार मानते नहीं हो, आप बार बार फॉर्मल ड्रेस पहनते नहीं हो यार, ये क्या जीन्स वीन्स पहन के आ जाते हो। तो मामा ने कहा, सुनो महाराज, यथा राजा वथा प्रजा, तुम रेक्सोना हम जीन्स। कहने का मतलब क्या है, जब आप सिस्टम फॉलो नहीं करते तो मैं कैसे करूँ। तो सेम ये बिजनेस यही है, आप जैसी राजा होगी वैसी प्रजा बनेगी। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम डिसिप्लिन्ड हो, तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपकी टीम अच्छे से प्लान दिखाए, तो इसके लिए यही काम आपको करना पड़ेगा। आप जो चाहते हैं आपकी टीम करे, आपको करना शुरू कर दो, धीरे धीरे कल्चर आपकी टीम में ऑटोमेटिकली जाने लगेगा। सिंपल सी बात है। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग टीम और सक्सेसफुल टीम कब बनती है? स्ट्रॉन्ग टीम या सक्सेसफुल टीम तभी बन सकती है, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो चलता है कुछ इस तरीके से, लर्न डू लर्न टीच लर्न परफेक्ट। यानी पहले जब आप इस बिजनेस में आए, आपको लर्न करना है। क्या लर्न करना है? प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करते हैं, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी क्या है, बेसिक चीज़ें, राइट, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में। तो जब आप लर्न करेंगे, सीखेंगे,
उसके बाद फिर आप फील्ड में डू यानी फील्ड वर्क करेंगे, फिर और सीखेंगे, कंटिन्यूस सेमिनार्स में आएंगे, वर्कशॉप्स में आएंगे, लीडरशिप ट्रेनिंग्स में आएंगे, फिर आपकी टीम बनने लगेगी और अपनी टीम को फिर आप धीरे धीरे सिखाना शुरू करिए। आपकी टीम ट्रेंड होने लग जाएगी इससे धीरे धीरे धीरे। फिर जब आप और सीखेंगे तब आप बेटर होते हैं, परफेक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है, हालांकि मेरा मानना है लाइफ में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट सिर्फ खुदा है, उसके अलावा कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। यानी परफेक्ट का मतलब है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो उसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सीखिए, फील्ड में काम करिए, फिर सीखिए, लगातार सीखते रहिए, जो सीखें वो अपनी टीम को सिखाएं, जो सीखो अपनी टीम को सिखाओ, जो सीखो अपनी टीम को सिखाओ, फिर और सीखिए और तब आप बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं। ये है सक्सेस का फॉर्मूला। जो लोग इस बिजनेस में असफल होते हैं उसका प्रमुख कारण क्या है, वो लर्न नहीं करते, वो सीधा डू पे पहुंच जाते हैं। अब अगर आपको एक बहुत अच्छी कार दे दी जाए, अगर मान लीजिए दिवाकर जी की ऑडी आपको दे दी जाए, या गुप्ता जी के पास जो भी लग्जरी कार है वो आपको दे दी जाए, चाबी दे दी जाए, गाड़ी चलानी आपको आती नहीं, अगर आप चलाने की कोशिश करोगे सही मारोगे क्योंकि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आप क्या कर लोगे, आप एक्सीडेंट कर लोगे। इसमें गलती किसकी, गाड़ी गलती, ऑडी गलती है, किसकी गलती है? बिना सीखे अगर हम सिखाने चलाने की कोशिश करेंगे तो वो चलेगी नहीं, एक्सीडेंट होगा। सेम में बहुत से लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, वो प्लान देना सीखते नहीं, प्रोडक्ट के बारे में सीखते नहीं, अब वो किसी को बिजनेस प्लान समझाने चल देते हैं। वो फिर सीखा नहीं, समझाते क्या, जुड़ जा भाई, जुड़ जा यार, पैसे दे दे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरा दोस्त नहीं है, मेरा भाई नहीं है, 2000 रुपये का सामान नहीं खरीद सकता। और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उनका नेटवर्क में 2-4 लोग ही जुड़ते हैं और आगे उनकी कहानी चलती नहीं है। उसके बाद उनका एक रिकॉर्ड अटक जाता है, उनका रिकॉर्ड क्या कहता है, अरे यार बिजनेस बड़ा मुश्किल है, होता नहीं, करता नहीं, पता नहीं जी आप कैसे कर लेते हो, हमसे तो नहीं होता। अब होता क्यों नहीं है, क्योंकि आपने सीखा नहीं। सो बिना सीखे अगर आप डू पे पहुंच जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो सीखते तो सब कुछ है, सारी मीटिंग्स में आते हैं, सारी ट्रेनिंग में आते हैं, लेकिन सिर्फ लर्निंग करते हैं, वो डू पे नहीं पहुंचते, घर जाके सो जाते हैं। तो ट्रेनिंग लेने से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा अगर आप फील्ड वर्क ना करें। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला चलता है, सीखिए, जो सीखे फील्ड में जाके काम कीजिए, फिर सीखिए, आपकी टीम बनेगी फील्ड में काम करने से, उसको सिखाइए, फिर और सीखिए, ताकि आप धीरे धीरे बेहतरी की तरफ बढ़े या परफेक्शन की तरफ बढ़े। अगर ये सिंपल सा फॉर्मूला आप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क बनने लगेगा, एंड धीरे धीरे ये फॉर्मूला अगर आप नीचे डालेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना पाएंगे। सीखना क्या है, सबसे पहले सीखिए प्लान देना, राइट। प्लान देना यानी कि प्लान में बेसिक बिजनेस, बेसिक प्रोडक्ट्स की नॉलेज और बेसिक बिजनेस की नॉलेज, एक प्लान का ओवरव्यू देना, ये सीखना ज़रूरी है। आप नए हैं, शुरू में अपलाइन आपकी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट होइए, जितनी जल्दी हो सके स्वयं बिजनेस दिखाना सीखिए। क्यों, अगर आप अपलाइन के ऊपर निर्भर हैं, आपके अपलाइन आपको हफ्ते में 2-3 या मैक्सिमम 4 बार समय दे देंगे, लेकिन अगर आप खुद सक्षम हैं तो डेली 4 बार आप खुद प्लान दिखा सकते हैं। सो इसलिए जितनी जल्दी हो सके प्लान दिखाना सीख लीजिए, प्रोडक्ट्स की नॉलेज सीख लीजिए, ले लीजिए, बार बार जब आप सुनेंगे सीखेंगे, हर प्रोडक्ट के वीडियोस बने हुए हैं, उन वीडियोस को देखिए, उन्हें स्वयं इस्तेमाल करिए ताकि प्रोडक्ट की बेसिक चीज़ें की जानकारी आपको मिल सके। सो ये चीज़ें आपने सीखनी है। इसके बाद क्या आपने सीखना है, बेसिक्स सीखना, राइट स्ट्रक्चर यानी नेटवर्क कैसे बनाना है। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं जल्दी पैसा कैसे कमाऊँ, या मैं सही तरीका क्या है नेटवर्क बनाने का। सही तरीका नेटवर्क बनाने का ये है कि आपको 6 एक्टिव लाइन पर काम करना है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट, उस 6 width, एंड उसके बाद उनको डेप्थ में लेकर के जाइए। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, 4-5 लोग स्पॉन्सर करते हैं, 1 या 2 लाइन चल रही होती है, उन्हीं में काम करते रहते हैं, कुछ टाइम बाद एक्यूमुलेटिव प्लान है, लाइन 20% पे पहुंच जाती है, उनसे फिर साइड वॉल्यूम नहीं होती, यानी वो हमेशा स्ट्रगल करते हुए रहते हैं। या कुछ लोग क्या गलती करते हैं, 25-30 फ्रंट लाइन खोल देते हैं, डेप्थ में किसी को भी लेके नहीं जाते, उनकी भी तरक्की नहीं होती। सो राइट स्ट्रक्चर क्या है, 6 एक्टिव लाइन पर अपने बिजनेस को बिल्डअप करना, इससे क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे। देखिए जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे नेटवर्क भी बराबर नहीं चलते। जिस नेटवर्क में सेल्फ स्टार्टर्स लोग ज़्यादा होंगे वो नेटवर्क ज़्यादा तेज चलेगा। सो एक नेटवर्क आपका 20% में पहुंच गया, ब्रॉन्ज रेटर्न अबव पहुंच गया, अब आपके पास टोटल 5 लाइन और है, 6 में से 1 हो गया, 5 लाइन बची, तो वो 5 लाइन जो हैं वो आपको मदद करेगी ना सिर्फ अपना मिनिमम साइड वॉल्यूम करने के लिए, बल्कि आप और उससे ज़्यादा कर पाएंगे।
जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, जैसे अगर आप सिल्वर क्वालिफाई करने के लिए 1801 पीवी आपको साइड वॉल्यूम से करना है, गोल्ड के लिए जी राइट, ऐसे ही स्टार के लिए 1001 पीवी। सो अगर जितने भी हैं ये मिनिमम है, अब एक मेंटेलिटी बिल्कुल क्लियर माइंड में डालिए, मिनिमम करेंगे तो मिनिमम मिलेगा। अब आप चाहते हैं मैक्सिमम लेना लेकिन करते मिनिमम है तो वो संभव नहीं है। जैसे हम देखते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स से 40% है, 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स जरूर है लेकिन वो 40% से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे ना कहीं आगे एडमिशन मिलता ना कहीं उससे आगे तरक्की मिलती है, सो वो इक्वलेंट टू जीरो ही है। सो सेम वे अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन करेंगे तो मिनिमम पैसे ही आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आपका 6 एक्टिव लाइनें वर्क कर रही हैं तो आप कभी भी क्वालिफिकेशन के कभी आपको लाले नहीं पड़ेंगे, बल्कि मिनिमम से भी आप ज़्यादा ही कर पाएंगे और करेंगे तो पे आउट आपका ऑटोमेटिकली ज़्यादा बनेगा। सो राइट स्ट्रक्चर क्या है, 6 एक्टिव ग्रुप को विथ को डेप्थ में लेके जाना, 6 ग्रुप अगर आपके अच्छे से डेप्थ में तो ये पर्याप्त है आपको 1 लाख रुपये से 6 लाख रुपये महीने देने के लिए। अभी जी हाँ, वहाँ जब आप पहुँच जाएँ तब आप और एक्सपेंशन कर सकते हैं अपने आप को। मेरे ग्राउंड डायरेक्टर हैं कुलदीप सिंह जी, उनका पिछले महीने का पे आउट जो है वो 7.5 लाख रुपये का था, जबकि वो ग्राउंड डायरेक्टर की है, उसकी 6 ही लाइन है लेकिन 6 से मल्टीपल एलो भी आती है, इस वजह से उसका पेचक हमेशा बेहतर बनता। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कि उससे डबल या ट्रिपल लेवल पर है लेकिन पे आउट उसका आधा है। तो आप किस लिए आए हैं इस बिजनेस में, पे आउट के लिए। आपकी लाइफ कहाँ से चेंज होगी, पे आउट से राइट। सो उसके लिए सही स्ट्रक्चर फॉलो करिए, 6 विड्थ एंड उसके बाद उनको डेप्थ में लेकर के चाहिए। ये कुछ बेसिक्स हैं इस बिजनेस के, सीखिए प्लान दिखाना एंड इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीच करिए प्लान शो करना, प्लान शो करना टीच करना है। मुझे आज भी याद है, इसी आपकी शहर की घटना सुना देता हूँ। जब मैंने जस्ट ज्वाइन किया ही किया था तो मुझे पता लगा कि लखनऊ में CNT हो रही है और बाली साहब जा रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। मैंने मेरे ब्रदर को फ़ोन किया, वो यही रहता है, स्पोर्ट्समैन रहा है, बास्केटबॉल से इंडिया खेला 4 साल 5 साल, लक्ष्मण पुरस्कार अवॉर्डी है, स्पोर्ट्स से ही वो पुलिस में चला गया और तो उसका सर्कल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सर्कल है, ह्यूज सर्कल है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भैया देख ऐसे ऐसे सेशन हो रहा है और 100-150 लोग तेरे को बुलाने, बोला भैया ठीक है बुला दूंगा। अब 11 बजे का टाइम था, 100-150 उसको मैंने डंडा दे रखा था, उन्होंने 100-150 लोग बुला लिए। पहली बात तो मीटिंग भी नहीं शुरू हुई 12:30-1 बजे से पहले, फिर जब मेरे लोग टाइम पे आ गए थे वो घड़ी देखने लगे। अब मीटिंग शुरू भी हुई तो वो द्रौपदी के चीरहरण की तरह वो मीटिंग चलती गई, उसमें टेस्टिमोनियल हुए, शेर व शायरी, वो मीटिंग 5 बजे तक चलती रही। लोग बेचारे ऑफिस से आए थे, वो अटेंडेंस लगा के भी आ गए, फिर भी मीटिंग चल रही थी, तो 100 लोगों में से एक ही आदमी ने साइन अप नहीं किया राइट। तो प्लान शो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिंपल हो, शॉर्ट हो और डुप्लीकेबल हो। जब मैं इस बिजनेस में आया मैंने देखा, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी, पर कई लोग क्या करते थे, 4-4 घंटे की CNT करते थे, और कुछ लोग तो फ्लैक्स बताते थे तो वो दिल भी बनाते, दिल का डायग्राम भी बनाते थे, वो प्यार वाला दिल नहीं, वो डॉक्टर वाला दिल बनाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे ये कोई PMT प्री मेडिकल टेस्ट की कोई क्लास की तैयारी चल रही है। तो उससे होता क्या था, जब 3-3, 4-4 घंटे प्लान चलता था तो लोग जो हैं एक तो बहुत बोर हो गए, आधे लोग तो भाग जाते थे, जो बेचारे बचते भी थे वो क्या कहते थे, ये तो सर आप ही कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का पहला बेसिक रूल क्या है, जो चीज़ डुप्लीकेबल नहीं है वो नेटवर्क मार्केट नहीं है, क्योंकि मास अगर उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकती तो फिर आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि ऐसे तो तरक्की होने से नहीं। फिर मैंने अपना प्लान डेवलप किया जिसमें मेरा इंस्ट्रक्शन होती थी मेरे लोगों को कि 1.25 घंटे में प्लान ख़त्म हो जाना चाहिए। पहले 5 मिनट कंपनी का बैकग्राउंड बताओ, 25 से 30 मिनट प्रोडक्ट का ओवरव्यू देना है बस, और 15 मिनट में प्लान का ओवरव्यू देना, टोटल 45 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट में आपका प्लान ख़त्म हो जाना चाहिए। सो ये मैंने खुद किया, खुद जब मैंने इसको करना शुरू किया तो लोगों को बड़ा आसान लगा, फिर मैंने और लोगों को सिखाना शुरू किया। तो इस वजह से बहुत सारे मैं प्रेजेंटर्स तैयार कर पाया जिसकी वजह से मेरा बिजनेस ग्रो हुआ। आज से कई साल पहले 2011-12 के आसपास दिल्ली में बिजनेस ना के बराबर था, आसपास सिटीज़ में बिजनेस होता था, लोकल बिजनेस वॉज ऑलमोस्ट ज़ीरो। सो मैंने 25 से 30 लोग सिलेक्ट किए जो कि तरक्की करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, उनके लिए मैंने एक प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम का नाम रखा ट्रेन द ट्रेनर। उसमें मैंने उन 25-30 लोगों को बुलाया और उनको मैंने मीटिंग करनी सिखाई कि बेसिक प्लान कितने,
उसमें ये वो लोग थे जिन्होंने कभी प्लान नहीं दिया, कभी माइक भी नहीं पकड़ा, तो इन्होंने हमको ये भी सिखाया था कि माइक कैसे पकड़ते हैं। जैसे माइक पकड़ने का सही तरीका क्या होता है, अपने होंठ से 2.5 इंच दूर और 90 डिग्री के भी सेंटर पर। अगर मैं इसको इतना नीचे कर दूंगा तो देखिए आवाज़ नहीं आई, और अगर मैं यहाँ ले आऊँगा तो देखिए आपके कान में ये करंट फ्री आवाज़ नहीं रहेगी, यानी इरीटेट करेगी। सो यहाँ से लेकर के कैसी बॉडी लैंग्वेज हो, कौन सी ड्रेस हो, कौन सी स्लाइड में क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कौन सी स्लाइड की क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा एक सेशन करा दो ढाई घंटे का, जिसमें उनको मीटिंग करनी सिखाई। उसके बाद 2 हफ्ते का टाइम दे दिया। 2 हफ्ते बाद हम फिर मिले 2 ढाई घंटे के लिए। इस बार उनका काम क्या था, जो भी उनको मैंने सिखाया घर में जाकर प्रैक्टिस करनी थी, और उन्होंने मेरे सामने बोलना था। सो उन्होंने एक एक दो दो स्लाइड बोली, तो उनकी जो भी करेक्शंस थे वो मैंने कर दिए। और फिर 2 हफ्ते बाद हम फिर मिले। इस बार था फाइनल कंपटीशन। फाइनल कंपटीशन मतलब सबको 5-5, 10-10 मिनट बोलने के लिए दिया गया, और सबको मार्क्स दिए गए ड्रेस के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। सो ऐसा एक आपस में हमने कंपटीशन रखा, और उसमें 1st, 2nd, 3rd प्राइज विनर्स रखे गए। सो ऐसा करके मैंने लगभग 25-30 प्रेजेंटर्स तैयार किए। अब जब उन्होंने फील्ड में जाकर काम करना शुरू किया तो बिजनेस बढ़ने लगा। वापस उन्होंने मेरे को कहा, सर एक सेशन और करो। मैंने कहा करता हूँ। इस बार जब सेशन अनाउंस किया उसमें 100 लोग आए। सो उन 100 लोगों को मैंने कहा, आप 1000-1000 रुपये जमा करा दो, मुझे चाहिए कुछ नहीं, लेकिन वो इसलिए कि मैं ताकि आप रेगुलर आओ। अगर आप आज मैंने आपको सिखाया, अगली बार आप गायब हो गए तो आपने मेरा भी टाइम वेस्ट किया, मेरा भी टाइम वेस्ट किया। सो आप 3 सेशन आओ, उसके बाद अपने पैसे वापस लें। सो सेम 100 लोग करीब आए, उनको पहला सेशन सेम सिखाया गया, 2 हफ्ते का टाइम दिया गया, फिर आए, फिर उन्होंने प्रैक्टिस करी, और 3rd सेशन में फिर वो उनको टेस्ट दिया, उनको नंबर दिए गए 1st, 2nd, 3rd ऐसे करके दिए गए। सो ऐसे 80 से 100 प्रेजेंटर और तैयार हुए। फिर एक बार और किया, फिर 80 से 100 प्रेजेंटर तैयार हुए। फिर मेरे लोगों ने बोला, सर और करो। मैंने कहा अब नहीं करूँगा, मैं 3 मिनट कर चुका, अब आप डुप्लीकेट करो, अब आप करो, अब आप सिखाओ अपनी अपनी टीम को। मैं अगर मैं ही अकेला सिखाता रहूँगा तो मेरी एक लिमिट है सिखाने की, अब आप जाओ, अब आप करो। धीरे धीरे 6 महीने के अंदर में हमने 500 से ज़्यादा प्रेजेंटर्स तैयार कर दिए। अब ये 500 से ज़्यादा प्रेजेंटर जब फील्ड में जाकर काम करने लगे, तो जहाँ दिल्ली में एक भी CNT नहीं होती थी, आज ये हाल है दिल्ली और NCR में, यानी 50-100 किलोमीटर के रेडियस में इस तरीके के सक्सेस सेमिनार होते हैं। महीने में 30 दिन में से 50 दिन सेमिनार होते हैं। हर जगह कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं है, हर जगह भीड़ ही भीड़ है, सुपर बिजनेस। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग बेसिकली हमने तैयार करे प्लान दिखाने के लिए। तो सेम काम आपको भी करना है, आपको अपनी टीम में मैक्सिमम प्रेजेंटर्स रेडी करने हैं। आपकी टीम अच्छा प्लान बुरा प्लान कुछ नहीं होता, ये नंबर्स का गेम है। जिसकी टीम में जितने ज़्यादा प्लान शो होंगे उसका बिजनेस उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। बहुत बहुत सिंपल सा रूल है। सो जब तक प्लान शो होने का एक ही तरीका है, जब आपकी टीम में ज़्यादा प्रेजेंटर्स हों। और अच्छा प्लान कब आता है, दिखाने से इम्प्रूवमेंट होती है, करने से इम्प्रूवमेंट होती है, बगैर करे इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। मतलब ओनली वे टू इम्प्रूव इज बाय डूइंग इट। सो ये काम आपको करना है, आपकी टीम में आपको टीच करना है, प्लान शो करना। इट शुड बी शॉर्ट, सिंपल और डुप्लीकेबल। प्लान शो शॉर्ट हो, बहुत लंबा ना हो, सिंपल हो। कई लोगों को मैं देखता हूँ, मैंने कई लोगों को देखा वो टेक्निकल टर्म्स बहुत यूज़ करते हैं, जैसे HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल। इसकी फुल फॉर्म मुझे याद भी नहीं है, ना मुझे याद करने की ज़रूरत है। तो एक्सप्लेन करके बता, तो मैंने कहा भाई ये वक्त अगर आप यूज़ करते तो आम आदमी भाग जाएगा। सो मेक योर शॉर्ट एज सिंपल, एंड जितना शॉर्ट एंड सिंपल होगा उतना वो डुप्लीकेबल होगा, और जितना डुप्लीकेबल होगा उतना ज़्यादा आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको फॉलो कर पाएंगे, और तभी आपकी तरक्की पॉसिबल है। अदरवाइज उसके बिना आप स्ट्रगल करते रहोगे। आप बहुत अच्छा प्लान दिखाते हो, लेकिन आप ही दिखाते हो, आपका बिजनेस कभी ग्रेट हाइट्स पर नहीं पहुँचेगा। आप एवरेज प्लान दिखाओ, आप 50 एवरेज प्लान दिखाने वाले लोग तैयार कर दो, आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। टेकिंग इट फॉरवर्ड, इसी चीज़ को मैं जैसे मैंने कहा, मोर प्लान शो लीड्स टू मोर ग्रोथ, मोर फील्ड वर्क लीड्स टू मोर ग्रोथ। जितना आपकी टीम में प्लान शो होगा उतनी आपकी ज़्यादा ग्रोथ होगी, जितना आपकी टीम में फील्ड वर्क होगा, फील्ड में कार्य होगा, उतनी आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। फोकस रखिए ह्यूज वॉल्यूम्स को बिल्ड करने में, क्योंकि अगेन बड़े पैसे का आधार ही बड़ा वॉल्यूम है। आपका लेवल आधार नहीं है बड़े पेचक का। सो हमेशा फोकस करिए बड़े वॉल्यूम के ऊपर, राइट? नाउ जैसे मैंने आपको स्टोरी में भी बताया था, आपको हमेशा फोकस करना है। सबसे पहले तो मैं स्वयं LOB लूँ, आप स्वयं LOB लें। आप स्वयं अगर LOB ले रहे हैं, स्टेज 1 है, वहाँ पर खुश नहीं होना, वहाँ संतुष्ट नहीं होना।
आपकी टीम में कितने लोग एलओबी ले रहे हैं, आपका ये आप कैलकुलेट कर लो। अगर आज आपकी टीम में 5 लोग एलओबी ले रहे हैं, आप इस संख्या को 5-15 लेके चले जाओ, आपका पे आउट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ना सिर्फ आपका बढ़ेगा, आपकी टीम में लोग पैसे कमाने लगेंगे। और एक सिंपल सा फैक्ट आप समझिए, इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति आपको पैसे कमा के देने के लिए नहीं आया, वो तभी टिकेगा जब वो पैसे कमाएगा, और तभी पैसे कमाएगा जब वो स्वयं एलओबी लेगा और उसके नीचे भी मल्टीपल एलओबीज होंगे। सो आप अपने से प्रश्न पूछिए, देखिए आपकी टीम में अभी एलओबी अनुरोध कितने हैं, और अगर अभी नहीं है तो एक टारगेट रखिए कि 3 महीने में मेरे को इतने लोग एलओबी अनुरोध बनाने हैं। इन चीज़ों पर अगर आप अपना बिजनेस बेस करोगे तो आपकी ग्रोथ होगी ही होगी। दूसरी चीज, रेगुलर इवेंट्स विद टीम। रेगुलर इवेंट कितने लोग आपकी टीम में अटेंड करते हैं, जितने ज़्यादा लोग जैसे मैंने कहा आपकी टीम में इवेंट्स में आएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी तरक्की होगी। सो आपकी टीम में कंटिन्यूसली लगातार कितने लोग ऐसे हैं जो इवेंट्स में रेगुलर होते हैं। इवेंट्स में जाने से होगा क्या, इवेंट में जाने से सबसे पहले होता है माइंडसेट। क्या माइंडसेट, कि मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी लग्जरी कार लेनी है, मुझे भी इतना पे आउट लेना है, मुझे भी कार बुक में पहुंचना है, मुझे भी वॉइस मैगजीन में पहुंचना है। ये माइंडसेट घर में बैठ के नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स में होता है। सो इवेंट में आने से पहले सबसे पहले माइंडसेट बनता है सक्सेस का या सफलता का। इसके बाद इंस्पिरेशन। आपको मैंने मेरी स्टोरी सुनाई, आप में से कुछ लोगों को इंस्पिरेशन हुई और काम करने की और ट्रैवल करने की इंस्पिरेशन हुई, राइट? सो इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन आप आए तो आपको मिली, आपको मिली। अगर आप घर बैठे रहेंगे तो प्रेरणा थोड़ी मिलेगी आपको, आप ऐसे ही रहेंगे। सो इवेंट्स में आने से माइंड होता है सक्सेस का, इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है और सीखने को मिलता है, लर्निंग होती है, और लर्निंग बेसिक रिक्वायरमेंट है सफलता की। जैसे मैंने आपको बताया कि लर्न डू लर्न टीच लर्न परफेक्ट, डोंट रन आफ्टर लेवल्स। मेरा हमेशा मेरा ये मानना रहा है, लेवल्स के पीछे कभी भी मत भागिए। अक्सर मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, सपोज करिए अगले महीने अक्टूबर में अवार्ड सेरेमनी है यहाँ पर, तो सितंबर में लोग क्या करते हैं, सामान खरीद के कुछ करके अपना लेवल अपग्रेड कर लेते हैं। किसलिए, कि जी एक बड़ी ट्रॉफी मिलेगी। अब ठीक है, अच्छी बात है, चलिए आपको एक ट्रॉफी मिल गई, सपोज ये आपकी ट्रॉफी है, क्राउन की किसी भी चीज़ की मिल गई, वेरी गुड, घर ले आए, घर पे जाके ड्राइंग रूम में लगा। अब जब 1 तारीख बिल आएगा दूध वाले, आप इसको हिलाओगे तो इससे नहीं निकलेंगे, या निकलेंगे? नहीं निकलेंगे ना। आपको जो भी पेट्रोल के, जो भी राशन के, जो भी पैसे चाहिए, इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। वो कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे आते हैं आपके नेटवर्क जो वॉल्यूम बिल्ड करता है स्ट्रक्चर पे, उसके ऊपर आपसे मिलते हैं। सो इसके पीछे कभी भी मत भागिए, लेवल से ज़्यादा बिल्डअप करिए अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने में। आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्नर्स बने, ये तभी संभव है जब ज़्यादा प्लान शो आपकी टीम में होंगे, ज़्यादा लोग एलओबी लेंगे तो लेवल अपने आप अपग्रेड हो जाएगा, लेवल की चिंता नहीं करनी आप, राइट? फोकस ऑन अर्निंग मनी, फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। लेवल्स विदाउट ह्यूज वॉल्यूम एंड एलओबी अर्नर्स आर यूजलेस। आपका कोई भी लेवल क्यों ना हो, अगर उसमें बड़े वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रहे और आपकी टीम में ज़्यादा लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस लेने वाले लोग नहीं हैं, तो वो मेरे हिसाब से वो लेवल व्यर्थ है, यूजलेस है, क्योंकि आपको लंबी सक्सेस या बड़ा पे आउट मिलने वाला। एंड बिल्कुल माइंड में क्लियर रखिए, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, बड़ा पे आउट लेने के लिए। आप यहाँ क्यों आए हैं, कम से कम 5 से 10 लाख, अगर आप 5 लाख 10 लाख रुपये महीने से कम सोचते हैं तो मेरे हिसाब से तो आपके में डिफेक्ट। मिनिमम वी हैव टू थिंक अबाउट 5 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज अ मंथ। द्रविश रखे हुए यार, थोड़ी देर में चेंज कर देता है, थोड़ी देर बाद फिर बोल जाता है माइक को, डब्बे में डुबो के रखा कर अपने, और कुछ भी कुछ जान आएगी। सो कोई भी लेवल, चाहे वो कोई भी लेवल हो, यूसीडी हो, डीसीडी हो, डीयूसीडी हो, जब तक ह्यूज वॉल्यूम आप क्रिएट नहीं कर रहे और मैक्सिमम एलओबी अर्नर्स नहीं है आपकी टीम में, तो मैं तो उसको कोई गिनती में मानता नहीं हूँ। अकॉर्डिंग टू मी दे आर यूजलेस। सो अपना बिजनेस इस तरीके से बिल्डअप करिए। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, जो भी फ़र्क है नेचुरल ग्रोथ में और आर्टिफिशियल ग्रोथ में, अगर आपके 6 स्ट्रॉन्ग ग्रुप चल रहे हैं लगातार, आप उस पर काम कर रहे हैं, उन्हें डेवलप कर रहे हैं, डेप्थ बिल्डअप कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें लोग भी अर्नर निकलेंगे, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। ये है नेचुरल ग्रोथ। एक होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होती है, 6 में से 3 लाइन कमज़ोर हैं,
उनमें से उन्हें सामान खरीदवा दिया, एयर प्योरीफायर करा खरीदवा दिया या वाटर प्योरीफायर खरीदवा दिया, एक महीने के लिए वॉल्यूम बिल्ड हो गए, लेवल ले लिया, अगले महीने कहाँ से वॉल्यूम बिल्ड होंगे, होंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास टीम ही बड़ी कमज़ोर है या ना के बराबर टीम है। सो डोंट गो फॉर आर्टिफिशियल ग्रोथ, आर्टिफिशियल ग्रोथ के ऊपर फोकस मत करिए, उसमें सक्सेस नहीं है। फोकस करिए नेचुरल तरीके से बिजनेस आए। कुछ लोग ज्वाइनिंग कराते हैं 10,000 रुपये से सीधा या सीधा फास्ट स्टार्ट 8%, मैं उसके भी फेवर में नहीं हूँ। जब मैंने वेस्टर्न बिजनेस ज्वाइन किया था भाई, मेरी जेब में 700 रुपये थे, 600 रुपये का मैंने 5 रुपये का सामान लिया था, नॉन स्पिरुलिना मिला के उस समय 605 रुपये की बनती थी। 700 रुपये मैंने कंपनी को दिए, 5 रुपये आज भी नहीं दिए, कंपनी बड़ी उदार है, पता नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के उसमें कितने भी जीरो लगा के वसूल कर सकती है अगर चाहे तो, करती नहीं, अच्छी बात है। सो अगर सोचिए मुझे भी कोई ऐसा व्यक्ति मिला होता जो कहता जी 10,000 रुपये से ज्वाइनिंग होती है तो शायद मैं ज्वाइन ही नहीं करता, क्योंकि मेरे पास उस समय पैसे नहीं। तो आपको एक बार आदमी को काटना है या धीरे धीरे रोज अंडे रोज सोने का अंडा लेना, ये आपने डिसाइड करना है। अगर आप सोचो अगर मुझे कोई ऐसे व्यक्ति लालची आदमी ने प्लान दिखाया होता तो 10,000 रुपये की ज्वाइनिंग के पीछे भाग रहा होता, मैं आता ही नहीं, मैं उसके साथ ज्वाइन ही नहीं करता। अब अगर मैं उसके साथ ज्वाइन नहीं करता या अगर मैं किसी की भी डाउनलाइन होता, आप सोचिए उसको कितना फ़ायदा होता, पता नहीं होता। सिर्फ इस वजह से कि एक बार आपने 10,000 रुपये की ज्वाइनिंग लेनी है, ये शॉर्ट तरीके हैं, ये शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट्स मत अपनाइए, आदमी को कंफर्टेबल होने दीजिए, जब वो कंफर्टेबल हो जाएगा वो अपने आप प्रोडक्ट लेगा, अपने आप बार बार प्रोडक्ट लेगा, वो बेहतर है या एक बार लेकर के फिर वो गायब हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है, आप बताइए। सो अल्टीमेटली ये बिजनेस है लोगों को डेवलप करने का, और वो डेवलप तभी होंगे जब वो उनको डेवलप करने का आप समय दोगे। लेकिन कई लोग इतने लालची होते हैं, उन्हें इतनी जल्दी होती है, बस जल्दी से आए जल्दी से सामान खरीद ले उसके बाद ये कुछ करे या ना करे, दैट इज़ शॉर्ट साइटेडनेस। आप एक आदमी को मत देखो, मैंने भी तो कभी अकेले ज्वाइन किया था, 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क है या नहीं है, तो आप एक आदमी को मत देखो इस बिजनेस में, एक आदमी नहीं है वो, एक आदमी कल को 1,000 1 लाख और 1 करोड़ और आगे चल के 10 करोड़ भी हो सकता, कुछ नहीं पता। सो नेचुरल तरीके से ग्रो करो, आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो नहीं करना। जैसे मान लीजिए अगर किसी को बॉडी बिल्ड करनी है तो उसका नेचुरल तरीका क्या है, उसका नेचुरल तरीका ये है वो जाए जिम ज्वाइन करे, अपनी डाइट पर ध्यान दे, अच्छी डाइट ले, रेगुलर एक्सरसाइज करे, साल डेढ़ साल लगेगा राइट, नेचुरली बॉडी ग्रो होगी, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जाइए जिम ज्वाइन कर लिया, स्टीरॉयड के इंजेक्शन तो लगा लो, 2-3 महीने में फूल फाल के बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही मेरा एक जो कि उसको बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था, मेरा एक कॉमन फ्रेंड है, वो कोच है, जिम का कोच है, तो ऐसे ही मैं उसके पास गया, एक्सरसाइज कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा वो कहाँ है, बहुत तो नज़र नहीं आया कई दिनों से, कहा तुझे नहीं पता यार उसकी तो डेथ हो गई। मैंने कहा डेथ हो गई, कैसे डेथ हो गई, वो तो हमसे भी 5-6 साल छोटा था यार, वो तो यूज नॉट इवन 37-38 का होगा। बोला यार तेरे को पता ही है वो स्टीरॉइड्स लेता था, पता नहीं कौन सा क्या इंजेक्शन कर गया, वो तो निकल लिया। तो ऐसे ही आपको भी नेटवर्क कैसे बनाना है, आर्टिफिशियल नेटवर्क बनाएंगे तो रियल ग्रोथ नहीं है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कौन सा है, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली डेवलप करने पे ध्यान दें, तभी वो आपको लंबे टाइम तक एक हेल्दी नेटवर्क बनेगा, खुद भी ग्रो करेगा और आप तो ग्रो करेंगे ही करेंगे अगर आपका नेटवर्क होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिए हमेशा लोगों को डेवलप करने में। मुझे परसों दिवाकर जी मेरे से मिलने आए थे, इन्होंने बताया स्टार एंड अबव का इन्होंने 2 दिन का वर्कशॉप रखा अपनी टीम में, तो वो ये क्यों कर रहे हैं, आपको डेवलप करने के लिए। अभी कल मैंने 3 दिन का वर्कशॉप खत्म किया, मैं क्यों कर रहा हूँ उनको डेवलप करने के लिए। आज रात को जब भी घर पहुँचूंगा, आप आज क्या 6 तारीख है, हाँ 6 तारीख है, 10, 11, 12 मेरा फिर से 3 दिन में शाम जी में प्रोग्राम है, 600 से ज़्यादा लोगों का मेरा वर्कशॉप है, 3 डे कंटिन्यूस वर्कशॉप है। क्यों, कई कई बार मैंने एक बैच खत्म किया है 3 दिन का, दूसरा बैच फिर आ रहा है, यानी 6-6 दिन 8-8 दिन 10-10 दिन लगातार ट्रेन किया है। क्यों, बिकॉज ये बिजनेस है लोगों को डेवलप करने का। आपका टीम, आप अपनी टीम को जितना डेवलप करोगे, आपके लोग जितने डेवलप होंगे उतना ज़्यादा वही बिजनेस डेवलप कर पाए, दैट इज़ ये बहुत सिंपल सवाल है। सो हमेशा ध्यान दीजिए अपनी टीम को डेवलप करने का, बिकॉज आप लोगों को डेवलप करोगे, डेवलप्ड पीपल बिल्ड ह्यूज वॉल्यूम्स, डेवलप्ड लोग ही बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं या बड़ा बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। अनडेवलप्ड लोग, अनट्रेंड लोग नेटवर्क नहीं बना सकते या ह्यूज वॉल्यूम बिल्ड नहीं कर सकते। ओनली ट्रेंड पीपल, ट्रेंड नेटवर्क ह्यूज वॉल्यूम बिल्ड कर सकता है। सो कंटिन्यूस ट्रेनिंग्स में रहना, कंटिन्यूस सीखना, आपकी टीम जितना ज़्यादा सीखती जाएगी उतना ज़्यादा आपका बिजनेस स्वतः ही ग्रो करने लगेगा। एक बार एक
बहुत बड़े बिजनेसमैन से, चलिए नाम बता देता हूँ, रतन टाटा जी से पूछा किसी ने कि अगर एक आपके पास कोई जादुई डंडा आ जाए या जादुई शक्ति आ जाए तो आप क्या करोगे, मतलब आप उसका कैसे उपयोग करना चाहोगे, आप अपना उस जादुई शक्ति को क्या बोलोगे, मेरा टर्नओवर कर दे या मेरा ये कर दे, आप क्या बोलोगे? तो रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि अगर मेरे पास ऐसी कोई शक्ति आए तो मैं एक ही चीज़ करूँगा, मैं अपने लोगों के ऊपर उस शक्ति से उनकी क्वालिटी बढ़ा दूँगा, मैं चाहूँगा कि जो जितने भी लोग मेरी कंपनियों में काम करते हैं वो बने TQP, TQP स्टैंड फॉर टोटल क्वालिटी पीपल, सो अगर उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो अच्छे लोग होंगे, वो डेवलप होंगे, तो टर्नओवर की मुझे चिंता नहीं, टर्नओवर तो वो अपने आप कर देंगे, और अगर मैंने मेरी शक्ति से, चलो आप कह रहे हो अगर एक बार टर्नओवर हो भी गया वो दोबारा नहीं होगा अगर मेरे लोगों में क्वालिटी नहीं होगी। सो सेम ये चीज़ है, आपको अपना नेटवर्क बनाना है TQP के ऊपर, TQP मीन्स टोटल क्वालिटी पीपल, और ये तभी संभव है जब अगर मैं TQP नहीं हूँ तो मेरी टीम TQP नहीं हो सकती, तो पहले मुझे खुद क्वालिटी पर्सन बनना है, तब मेरी टीम के ऊपर मैं उसके ऊपर काम करूँगा, तब वो संभव है। और एक बार आपने अपने लोगों को डेवलप कर दिया, फिर मैंने कहा जैसे आपको बताया, डेवलप्ड लोग ही बड़ा वॉल्यूम बिल्ड कर सकते हैं, एंड बड़े वॉल्यूम से ही बड़ा पैसा संभव है, और कोई तरीका नहीं है। बिल्ड वॉल्यूम्स एथिकली, वॉल्यूम्स को बिल्ड करिए एथिक्स के साथ में, जैसे मैंने कहा किसी को भी अपने लिए अपना लेवल पूरा करने के लिए सामान उठवा देना, सामान खरीदवा देना ज़रूरत से ज़्यादा, ये गलत प्रैक्टिस है, एक बार हो जाएगा लेकिन आगे आप उस व्यक्ति को खो देंगे या आगे आप उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे, इस तरीके की प्रैक्टिस मत करिए। या आप कहीं पर गए, कोई व्यक्ति आया कि आपका अपलाइन कौन है, बोला जी तमिलनाडु में कोई है, मतलब वो क्या आपको सपोर्ट करेगा, आप मेरे साथ जुड़ जाओ मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, ये सारे अनएथिकल काम है। आप ये करोगे हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत आपको कुछ गेन हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कुछ गेन होने वाला नहीं है, क्यों, यथा राजा वथा प्रजा, आप ये करोगे आपकी टीम भी यही करेगी, आगे चल करके आपकी टीम आपकी डेप्थ को ही अपनी टीम में डालने लगेगी और पूरा कल्चर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। सो ये काम मत करिए, राइट, एथिकली बिजनेस को बिल्ड करिए, लालच के ऊपर बिजनेस को मत बिल्ड करिए। फर्क होता है एम्बिशन में, ड्रीम में और लालच में। लालच क्या होता है, हमेशा कच्चा लालच, एकदम अभी तुरंत के चक्कर में काम नहीं करना, एक्सेसिव बाइंग, मैंने आपको मना किया एक्सेसिव बाइंग, ज़रूरत से ज़्यादा सामान मत खरीदवाइए किसी को, इतना ज़रूरत है उतना ठीक है 10-20% रोटेशन के लिए फाइन, बट एक्सेसिव बाइंग इज अ स्ट्रिक्ट नो, उससे स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बनती। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ एक्सेसिव बाइंग में लेकर के आदत है, इतना सामान खरीद लो, इतनी बीवी कर लो, गोवा चलेंगे, यहाँ चलेंगे, अरे यार तुम क्या इस बिजनेस में गोवा जाने के लिए, दो दिन गोवा चले भी गए उससे तुम्हारा जीवन बन जाएगा, अरे तुम इतने पैसे कमाओ तुम गोवा का, तुम जब मर्जी लंदन जा सको, है ना, अभी वर्ल्ड कप हुआ था, मैं 1.5 महीना लंदन में था, इतने 4 मैच मैंने लंदन में पूरे देखे वर्ल्ड कप, उसके बाद मैं इटली था, स्विट्जरलैंड था, आपका पैसा आपके पास इतना पे आउट हुआ आप जहाँ मर्जी जा सको, वो शॉर्ट टर्म पर बिजनेस बिल्ड करना, दो दिन के लिए गोवा चले गए, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, दो दिन गोवा जा करके आपकी लाइफ चेंज होने वाली नहीं है। सो इन चीज़ों पर बिजनेस को मत बिल्ड करो, राइट, एंड डोंट ट्रीट योर डाउनलाइंस एज बिजनेस वॉल्यूम मशीन्स, डाउनलाइन आपके डाउनलाइंस ह्यूमन बींग्स हैं, सो बी विद देम, उनके सुख दुख में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में, इमोशंस में, ड्रीम्स के साथ में ऐसे काम करिए, उनको ऐसे मत समझिए कि ये सिर्फ पीवी या पीवी जनरेटिंग मशीन्स नहीं, दे आर ह्यूमन बींग्स टू, सो ट्रीट देम विद हार्ट, लीड विद हार्ट, जैसे मैंने कहा हार्ट के साथ यानी इमोशंस के साथ उनको लीड करना। आज जितने भी जो मेरी कोर टीम है, मेरे कोर लीडर्स हैं, वो 10-10 साल 8-8 साल 12-12 साल से मेरे साथ, राइट, वी ऑल आर लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली, हम एक एक्सटेंडेड फैमिली के तरीके से हैं, जो इतने साल इतने वर्षों से साथ, सुख में दुख में, बिजनेस के अलावा भी, वी गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इसकी वजह से किसी का अगर थोड़ा बहुत टफ टाइम आता भी है, सब लोग उसको मिलकर सपोर्ट करते हैं, और थोड़े टाइम बाद वो व्यक्ति उससे बाहर निकल जाता है और एक स्ट्रॉन्ग टीम बनी हुई है। सो हमेशा से अपने लोगों का ख्याल रखिए, लीड विद हार्ट, तो ऑटोमेटिकली आप एक स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्ड कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा आपकी टीम आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, एंड उसका केयर करना आपकी ड्यूटी, आप उसका केयर करोगे तो आप आगे जाओगे ही जाओगे। Your core team should respect you as a person and as a leader, not only your income or your level. आपकी जो core team है, जो आपकी बहुत नज़दीक होती है, उनको आपकी अच्छाइयाँ भी तो सभी को पता होगी, उनको आपकी weaknesses भी पता होगी, बिकॉज वो इतने क्लोज हैं आप, तो जो आपके क्लोज लोग हैं वो आपको रिस्पेक्ट करने चाहिए
एज अ पर्सन, एज अ लीडर आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर, ना कि वो सिर्फ आपके लेवल की वजह से या सिर्फ आपकी इनकम की वजह से आपकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर आपके लोग आपको एज अ आपकी क्वालिटीज़ को लेकर के अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो वो टीम फिर बहुत आगे जाती है और वो टीम बहुत आगे ग्रो करती है। ये एकमात्र तरीका है स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्ड करने का। नो, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एज अ लीडर आपको कोई भी फेवरेटिज्म नहीं करनी। कोई भी फेवरेटिज्म में क्या होता है, पक्षपात करना। जैसे कई लोग क्या करते हैं, छोटी टीम के लिए रूल अलग होते हैं, बड़ी टीम के लिए रूल अलग होते हैं, ये गलत प्रैक्टिसेस हैं, राइट। अब जब हमने दिल्ली में ऐसे सेमिनार, सक्सेस सेमिनार करने शुरू किए थे 11-12 में, तो शुरू में अब हमेशा बोलते थे कि 10 तारीख तक जिसका भी लेवल जंप हुआ है तब हम लेवल से रिकॉग्नाइज करते थे, अब तो लेवल से नहीं करते, अब तो हम पे आउट से करते हैं, लेवल से हम किसी को बुलाते ही नहीं, राइट। तो जिसका भी पे आउट बड़ा है तो उनको मैसेजेस देने से, हमने स्लैब बना रखे हैं, जैसे 10,000 से लेकर 25,000 तक का स्लैब है। पहली बार अगर 10,000 से लेकर 25,000 स्लैब में कोई पहुंचता है तो उसको रिकग्नाइज किया जाता है। 25,000 से 50,000 के बीच में कोई पहली बार चेक लेता है तो उसको रिकग्नाइज करते हैं। 50,000 से लेकर 1,00,000 का एक लेवल है, अगर पहली बार उसका चेक वहाँ पहुँचता है 70,000 तो उसको रिकग्नाइज किया जाता है। 1,00,000 से लेकर 2,00,000, 2 से 3,00,000, ऐसे इनकम वाइज हमने कैटेगरीज बना रखी है। तो 10 तारीख तक नाम देना होता है कि ऐसे आपकी इनकम बढ़ी है, इस व्यक्ति की ये आईडी नंबर है, और फिर उसी हिसाब से क्योंकि तैयारी करी जाती है उनको रिकग्नाइज करने के लिए, उतने मुझे आने, उतनी माल आनी है, वो सारा जो सिस्टम बना हुआ है। कई बार क्या है, लोग भूल जाते हैं नाम देना, पीछे हम बैठे होते हैं, पीछे आते हैं पर्ची लेकर, सर सॉरी ये मैं नाम भूल गया था ये ले लो। तो जैसे ही पहली बार पर्ची आई मैंने पर्ची फाड़ी है, ऐसे फेंक दी। बोलो सर ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं बीच में नहीं लूँगा। बोलो सर क्या फ़र्क पड़ता है, दो ही तो नाम है। मैंने कहा अभी आप एक दे रहे हो, अगर मैं आपकी एक लेने लगूंगा तो आगे चलकर 10 भी आएंगे, 20 भी आएंगे, तो मैं प्रिपेयर कैसे कर पाऊँगा, मुझे कैसे पता लगेगा कितने बुके लाने हैं, क्या प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने राइट फ्रॉम डे वन कभी भी किसी की पर्ची एंटरटेन नहीं करी। 2-3-4 बार क्या हुआ, लोगों को बुरा लगा लेकिन बाद में सब सेटल हो गए, कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अगर जनरली लोग क्या करते हैं, अपनी छोटी टीम को ऐड कर देते हैं, बड़ी टीम को छोड़ देते हैं, और आगे चल के चीज़ देखिए, ये बिजनेस ऐसा पब्लिक का बिजनेस है, चीज़ें तो पता लगती है, उससे ज़्यादा फिर आपका बिजनेस डैमेज होता है। तो जो रूल बनाए सबके लिए एक बना दे, उसमें शुरू में थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन लॉन्ग रन में आप सुखी रहने वाले। तो किसी को भी फेवरेटिज्म की तरह डील मत करिए, राइट। जितने भी मेरे क्लोज लोग हैं, जो मेरे बहुत क्लोज दोस्त कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, जैसे लोग ऐसे कि वो मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में 21 साल हो गए उन्हें मेरे साथ, और उससे पहले भी जब मैं स्कूल में था तब से मेरा दोस्त था, तो उसे पता है अगर वो कोई अनजेन्युइन रिक्वेस्ट लेकर आएगा तो बाकी लोगों को तो डांट पड़ेगी, उसे तो मार भी पड़ सकती है, इसलिए वो आता ही नहीं, वो कहता ही नहीं, क्योंकि सब उसे मेरा नेचर अच्छे से पता है, मैंने उसे एंटरटेन करना ही नहीं। सो पक्षपात मत करिए टीमों में, सबको एक जैसा ट्रीट करिए, इससे एज अ लीडर आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी एंड देन इट विल हेल्प यू टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग टीम। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सामने सुनी बाबा जी बैठे हैं, आप इनसे पूछो, हमारा जो वर्कशॉप होता है उसमें मैं हर 2.5 से 3 घंटे में ब्रेक देता हूँ, लेकिन बीच में मैं किसी को अलाउ नहीं करता बाथरूम भी जाने के लिए। हाँ, कोई बेचारा एक्सेप्शनल डायबिटिक का मरीज है, मैं तो बोलता हूँ एडल्ट डाइपर खरीद दिया करो यार, जो या रबड़ रुबड़ दे दिया करो, बांध बूंद के बेचारे बैठे रहे। तो जितने भी लोग मेरी वर्कशॉप में आते हैं सबको पता है मैं बीच में किसी को भी अलाउ नहीं करता उठने के लिए। अगर आप जा रहे हो तो आप जाओ, फिर आप वापस नहीं आओगे, फिर आप अगले ब्रेक में आओगे। बिना डिसिप्लिन के नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं सकता, बिना डिसिप्लिन के आप स्ट्रॉन्ग टीम बना ही नहीं सकते, और स्ट्रॉन्ग टीम ही आपको बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करके देगी, वो अपनी लाइफ चेंज करती है, देन एंड ओनली देन इट कैन हैपन। अब अगर जब मन करे, जिसका मन करे, वो बाथरूम जा रहा है, कोई परसों की बात है वर्कशॉप में कोई मुँह में गुटखा रख के बैठा हुआ था, मैंने देख लिया, उसको बुलाया, मैंने कहा क्या खा रहा है, बोला जी ये गलती हुई, मैंने आज के बाद अगर तो बाहर बता दूँगा, राइट। क्यों, अब आप सोचो, आप स्कूल में, आप जहाँ भी रियल शिक्षा होती है, आप स्कूल में पढ़े हो यार, वहाँ पर टाइमिंग होती थी, ड्रेस होती थी, आप ऐसा तो नहीं घर के कपड़े पहन के चले जाते थे, या 8 बजे से स्कूल है तो आप 10 बजे जाते थे, ऐसा तो नहीं है ना। शिक्षा बिना डिसिप्लिन के हो ही नहीं सकती, वही कल्चर आपने अपने नेटवर्क में डाला। अगर आप ऐसा डालोगे, डिसिप्लिन के साथ में बिल्डअप करोगे, तो शुरू में शायद आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आए, राइट, लेकिन वो फेस अगर आपने पार कर लिया तब आपकी टीम जो बनेगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी, और वही स्ट्रॉन्ग टीम, डिसिप्लिन टीम लाखों के और करोड़ों के वॉल्यूम करेगी, और वही वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम आपको बड़ा पैसा देने वाले। हमारी जितनी भी वर्कशॉप होती है उसमें सिस्टम यूनिफॉर्म के बिना हम किसी को एंट्री नहीं देते। कई बार तो ऐसा हुआ, आदमी के पास सब कुछ है, टाई नहीं है, उसको हमने वापस भगा दिया, ये पकड़ अपने पैसे और भाग जाए, ऐसे हमें नहीं चाहिए। बिकॉज जब तक आप
एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, आपकी टीम स्ट्रांग बनने से नहीं, आपकी टीम स्ट्रांग नहीं बनेगी तो आप कभी बड़ा वॉल्यूम क्रिएट नहीं करोगे, बड़ा वॉल्यूम से ही बड़ा पैसा आता है। यहाँ पे आती है टफ लव फिलॉसफी। टफ लव फिलॉसफी क्या है? एक दिन मैं सालों पहले, बहुत समय हो गया, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देख रहा था, मैंने देखा उसमें जिराफ ने एक बच्चे को जन्म दिया, तब से वो जमीन पे गिरा, पहले उसने उसको चाटा 10-15-20 मिनट, उसके बाद उसको लात मारने लगी खड़ा करने के लिए। अब वो बेचारा खड़े होने की कोशिश कर रहा है, वो बच्चा भी पैदा हुआ, उसकी टांगों में जान ही नहीं, वो खड़ा होने की कोशिश करी, धप से नीचे गिर गया। उसने फिर उसको थोड़ी देर चाटा, उसका साफ वाफ किया, फिर उसको लात मारी, खड़ा करा, वो फिर खड़ा हुआ, एक कदम चला, धप देने गिर गया। उस जिराफ की माँ ने फिर उसको लात मारी, फिर खड़ा किया, फिर वो चार कदम चला, फिर गिर गया। ये सिस्टम बड़ी देर तक चलता रहा, वो जब तक उसको लात मारती रही जब तक वो चलने लायक नहीं हो गया। अब वो जिराफ मम्मी क्यों अपने बच्चे को लात मार रही है? क्यों लात मार रही है? क्योंकि वो चाहती है ये बच्चा जल्दी से जल्दी अपनी टांग पर खड़ा होकर चलना सीखे और दौड़ना सीखे। क्यों? क्योंकि हर समय वो उसके पास नहीं रह सकती, उसको खाना लेने के लिए जाना पड़ेगा। जब वो जाएगा, अगर वो चलने में सक्षम होगा, कोई भी जंगली जानवर आएगा उसको खा जाएगा, मर जाएगा। समझ आई? ऐसे ही आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, जब वो छोटा बच्चा होता है उसका स्कूल जाने का मन नहीं करता, एक दो दिन तो हम बहला करके उसको भेज देते हैं, दो दिन बाद उसको कहानी सुनने आती है, भैया इसमें अगर मैं गया तो 6 घंटे के लिए मेरी मनमानी चलनी बंद हो जाएगी। तो वो शुरू में क्या कहता है, रोता है धोता है, तो आप प्यार से समझाते हो, नहीं मानता तो आँख दिखाते हो, डांटते हो, जो भी करना पड़ता है आप उसको स्कूल भेजते हो जबरदस्ती। उसका पहली बात तो सुबह उठने का मन नहीं करता, फिर भी आप उठाते हो ना, राइट? मेरा बेटा अब थोड़ा अब तो 6th क्लास में आ गया, और 1-2 साल पहले तो वो पॉट पे बैठा बैठा सोता था, 15 मिनट तो पॉट पे चाहिए तो उसको सोने के लिए, लेकिन फिर भी रोज उठा के भेजना है। क्यों? क्योंकि उसी से ही आप उसको बेटर, आप उसके बेटर फ्यूचर के लिए करते। सो एज एन अपलाइन आपका भी ड्यूटी होती है, अपनी टीम को कई बार टफ तरीके से सिखाना पड़ता है। अब कई बार क्या है, 10 बार मीटिंग सुन ली आदमी को, मीटिंग कर सकता, लेकिन क्या है, सर आप कर दो, सर आप कर दो, तो मैं तो कई बार करता हूँ, ठीक है तू शुरू कर, मैं आ रहा हूँ, मुझे पता है वो कर सकता है, तो शुरू कर, कर तो सही, उसको कई बार शुरू करवा दी, जब ख़त्म पहुँचने वाला तब हुआ। एक बार मुझसे हमारे यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर हैं विश्वास जी और दिलीप कुमार जी, इन्होंने टाइम मांगा, तब ये आज से 4 साल पुरानी बात होगी, उन्होंने टाइम मांगा, बोलो सर यहाँ इस जगह पर VIP कर दो। मैंने कहा तू ही तो 30 VIP देख चुका मेरी, तू क्यों नहीं करता? बोला सर ये कर दो। मैं ठीक है एक शर्त पे करूँगा, 200 लोग होंगे तो करूँगा, अगर 199 भी हुए तो मैं नहीं करूँगा। हाँ सर 200 हो जाएंगे, ठीक है हो जाएंगे तो कर दूँगा। मैं वहाँ पहुँचा, उस दिन 191 लोग निकले, 191। मैंने गाड़ी उठाई, मैं सीधा मसूरी, मैंने कहा बेटा मैं जा रहा हूँ पिकनिक मनाने, हमारी कमिटमेंट थी 200 होगा तो मैं करूँगा, 199 भी होंगे तो तू करेगा। बोला सर मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। मेरा होगा या नहीं होगा, तेरे लोग हैं तू जान, मुझे पता था कर सकता है, 10-20 बार देख चुका है, करेगा क्यों नहीं। लेकिन आदमी क्या है, जब तक वो फंसता नहीं है ना, तब तक वो करना नहीं चाहता, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, और जो बेवकूफ़ अपलाइन होता है वो उसमें बहता जाता है, उसके उसमें बहता जाता है, तो वो अपलाइन, वो डाउनलाइन की तरक्की वो अपलाइन रोक देता है, जो ऐसा अपलाइन होता है। तो मैंने कहा मैंने, मेरी कमिटमेंट थी 200 होंगे तो मैं करूँगा, अब 191 है, मैं चला। मैंने ना अपनी ड्रेस चेंज करी, मैंने सीधा मसूरी गया, मैं 2 दिन छुट्टी मनाई, पिकनिक मनाई और मैं आ गया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले सर बस डरते डरते कर दी। मैंने कहा मुझे पता था कर दी ना, बहुत अच्छी बात। जबकि ये बात बता रहा हूँ, तब उसकी इनकम 25,000 रुपये थी, आज उसकी इनकम 5 लाख रुपये। अगर मैंने उसे ज़बरदस्ती नहीं करा होता तो आज भी वो मेरे ऊपर डिपेंड होता, आज भी उसकी इनकम मैक्सिमम 1-1.5 लाख रुपये होती, इससे ज़्यादा नहीं होती। सो आपने अपनी टीम को ट्रेन करना है। सो कई बार हमें टफ तरीके भी अपनाने पड़ते हैं उनको सिखाने के लिए, या वो मुझे मालूम है सीखा हुआ लेकिन जिम्मेदारी नहीं ले रहा या डर रहा, तो वो डर भी मेरे को ही निकालना। ये सारी चीज़ें, देन कंफर्टेबल एंड प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एटमॉस्फेयर आप बनाएं अपनी CNT में, सेमिनार्स में, हर जगह जहां आराम से कंफर्टेबल भी हो और एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर हो। इसलिए मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि जब भी आप टेस्टिमोनियल करें, आपका टेस्टिमोनियल शॉर्ट एंड सिंपल हो, उसमें शेरो शायरी ना हो, तो हम मुशायरा नहीं कर रहे हो उस, क्योंकि उससे वो प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। मेरा हमेशा ये लॉजिक होता है, या जितने भी लोगों मेरे प्लेटफॉर्म पे, मैं किसी को अलाउ नहीं करता ज़रूरत से ज़्यादा बोलने के लिए, या वो आए और वहाँ चांद सितारों की वो शेर व शायरी करें, तो उससे एटमॉस्फेयर बिजनेस का प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं रहता। एज अ लीडर आपका काम, ये बिजनेस क्या है, लोगों को सर्व करने का बिजनेस है। जितनी लोगों को आप सर्व करोगे, सिखाओगे, ट्रेन करोगे,
उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सो यू हैव टू ब्रीड सक्सेस। ब्रीड सक्सेस कब होगी? जब आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे थ्रू लीडरशिप ट्रेनिंग्स, थ्रू सेमिनार्स, थ्रू VIPs या थ्रू वर्कशॉप्स या अलग अलग तरीके से। मैंने आपको बता ही चुका हूँ क्रॉस लाइनिंग मत करिए, ये लॉन्ग, ये आगे चलकर आपको पे नहीं करती। रादर इतनी अच्छी वो होने चाहिए, अगर कोई दूसरी टीम का भी व्यक्ति है यार उसकी भी हेल्प कर दो। आज आप उसकी हेल्प यहाँ करोगे तो आगे चल के वो भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा। तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी होगी, एटमॉस्फेयर इस तरीके का बनाइए, इट विल ऑलवेज हेल्प। मुझे साउथ अफ्रीका में दिवाकर जी ने कहा सर ऐसे आप रखना वायर टाइम दे दो, मैंने कहा दे दिया यार। मैं वो थोड़ी मेरी टीम में है, लेकिन मैं ये चीज़ मैं कभी नहीं सोचता, ना आपको सोचनी चाहिए। वॉक द टॉक मतलब जो आप कहते हैं उसे प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अगर आप कहते कुछ हैं प्रैक्टिस कुछ और करते हैं तो आप बहुत सारे नेताओं की तरह हो गए जो बोलते कुछ हैं लेकिन करते हैं उसका विपरीत। इन तरीके से आपकी टीम स्ट्रांग नहीं बनने वाली। आप जो कहें उसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बनेगी ही बनेगी। उसके बाद जेल टुगेदर, जेल का मतलब होता है एक साथ उठना बैठना खाना पीना, मतलब कंफर्टेबल होना। आपकी टीम जितनी ज़्यादा इकट्ठे रहेगी, जेल करेगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा आपकी टीम मजबूत होगी। जैसे कहावत है द टीम विद जेल टुगेदर स्टेज टुगेदर, यानी जो टीम एक साथ घुलती मिलती है अच्छे से उठती बैठती है वो टीम हमेशा साथ रहती है, तो वो टीम हमेशा साथ ग्रो करती है। कई दिल्ली में मेरे डाउनलाइन ऐसे हैं उनको ये नहीं पता उनका अपलाइन कौन है। क्यों नहीं पता? उसका कारण क्या है? क्योंकि वो किसी को भी बात बोले, कोई भी व्यक्ति आपस में एक दूसरे की मीटिंग किसी की भी कोई भी कर देता है, तो एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है इस वजह से ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे मैंने कहा जो भी टीम विद जेल टुगेदर स्टेज टुगेदर, तो समय समय के ऊपर में आप जैसे अपनी टीम के लिए महीने में एक बार एक डिनर कर लिया या कोई टीम पार्टी कर दी कुछ महीने दो महीने में ऐसा उठना बैठना थोड़ा बहुत, जिससे आपकी टीम की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने। क्योंकि जो टीम आपस में जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है वो हमेशा इकट्ठा रहती है और इकट्ठा ग्रो करती है, या स्ट्रॉन्ग टीम बनाने में उससे बड़ी हेल्प मिलती है। सो आप ऐसी एक्टिविटीज़ भी रेगुलरली कर सकें। सो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस में डालेंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग टीम और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना पाएंगे, और जब आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा तभी आप बड़े वॉल्यूम बिल्ड करेंगे, और बड़े वॉल्यूम से ही आपको बड़ा पैसा आएगा। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, फॉलो दी स्टेप्स। थैंक यू सो मच। वाकई ये ट्रेनिंग उतना इफेक्ट करती है? तो तालियों में आवाज आनी चाहिए और पीछे तक जानी चाहिए, जोरदार तालियां एक बार। चलिए इस कार्यक्रम की एक लास्ट एक्टिविटी जो आपके साथ शूट करी जाएगी, जितने लोग बाहर जा रहे हैं सिर्फ दो मिनट के लिए रुक जाएं अभी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हम आपके लिए एक हैप्पी वॉरियर सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, और हम सब सारे हैप्पी वॉरियर्स उस सॉन्ग को एक साथ गाएंगे और फिर विदा लेंगे। आप तैयार हैं? Are you ready? चलिए अब ये म्यूजिक प्ले होने जा रहा है हैप्पी वॉरियर एंथम, और आप सबके साथ हम गाएंगे हैप्पी वॉरियर एंथम। कम ऑन। बनाएंगे तूफान।
24 years success in the industry. Thank you so much all of you. Milte hain ab next success seminar mein aur iske प्री रिजर्वेशंस आज ही आप करवा लीजिए और टिकट काउंटर पर आपको ये मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल.